ध्यान नहीं लगता, बहुत विचार रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, फियर रहता है, डर रहता है, विचार चारों ओर घूमते रहते हैं। ध्यान करने की आप बहुत कोशिश भी करते हैं, फिर भी आप हमेशा असफल रहते हैं। आप खुश रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी ध्यान की क्रिया आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने इस ध्यान लगाने की प्रक्रिया को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। मेरा नाम विक्रम सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाए सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे बातें शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा ज्यादा और सहजता से, थोड़ा सा ज्यादा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाए। आज जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी क्रिया है जो हर एक कोई कर सकता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। बच्चे अगर 7 साल से ज्यादा के हैं तो वो ये क्रिया आराम से कर सकते हैं। अगर आपको केवल घुटनों में दर्द रहता है और वो दर्द ज्यादा भयंकर रहता है तो आप ये क्रिया ना करें, पर अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं रहता है, ज्यादा दर्द नहीं रहता है, तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये क्रिया कैसे करनी है। अब बहुत ही सहजता से पहले इस तरह से खड़े हो जाएं, अपने दोनों पैरों के बीच में एक डिस्टेंस बनाएं और पूरी क्रिया के दौरान आप पैरों को चेंज ना करें। उसके बाद आप बहुत ही सहजता से अपने घुटनों को हल्के हल्के से बेंड करें और अपने ऊपरी शरीर को इस तरह से दाएं और बाएं हिलाते हुए लेके जाएं। पूरी क्रिया के दौरान आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए और बहुत ही सहजता से आप इस पूरी क्रिया को कीजिए। पूरा ध्यान आपका केवल इस क्रिया पे होना चाहिए। एकाग्रता और शांति से ये क्रिया करें। अपने पैरों को उसी तरह रखते हुए आप धीरे धीरे लेफ्ट और राइट इस तरह से घूमें और जब आप अपने ऊपरी शरीर को इस तरह से घुमाएं, अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को अपने बाहों पर और अपनी रीढ़ के हड्डी के बिल्कुल अंत पर धीरे धीरे स्पर्श करें एक ही साथ। और जब आप करें तब आपका ऊपरी शरीर एक ही तरफ होना चाहिए। पूरा ध्यान आप इस क्रिया के अंदर ही लगा के रखें। आपको अपने घुटनों को भी हल्के हल्के मोड़ना है जब आप दाएं और बाएं घूमते हैं, बहुत ही सहजता से। इस क्रिया के दौरान आप अपने हाथों में एक ऊर्जा उत्प्रेरित करेंगे। आप अपने हाथों को एक दूसरे से इस तरह से मलिए और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने हाथों को इस तरह से आगे और पीछे एक दूसरे के सामने लेंगे। इस तरह से आपके हाथों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निर्माण होती है और उस ऊर्जा को आप अपने अनाहता चक्र पर रखेंगे। अपने हाथों को आप इस तरह से अपने रिब केज के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे इस तरह से पीछे और आगे लेके जाएंगे। जब आप अपने हाथ और पैर को पीछे लेके जाते हैं तब उस समय आपका दूसरा हाथ इसी तरह आपके अनाहता चक्र पर टिका हुआ रहना चाहिए। इस क्रिया को भी बहुत आप आसानी से और सहजता से धीरे धीरे करेंगे। इस क्रिया के दौरान आप अपना ध्यान आपके रिब के जहाँ पे जुड़ती हैं वहीं रखें, यानी आपके अनाहता चक्र पर। इस क्रिया के दौरान आप अपनी एल्बोस को अपने रिब केज पर इस तरह से टच करेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे जैसे आप कपालभाति में करते हैं। उसी दौरान आप अपने घुटनों को भी मोड़ेंगे। इस क्रिया को भी आप बहुत सहजता से करेंगे। ये क्रिया करने के बाद आपका बटा हुआ ध्यान आप आराम से अपने नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो एक उच्च स्तरीय आयाम तक पहुंच सकती है। आप बहुत शांत महसूस कर सकते हैं। और अगर आप ये क्रिया को स्पेसिफिकली पूर्णिमा या अमावस्या को करते हैं
तो ये और भी ज्यादा लाभदायक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी इसे वक्त कीजिए, बटन बिल्कुल यहां पर है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।